फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी भी बन जाता है। कभी भी आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप उनको सर्व करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार हलवा बन के तैयार हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन और साथ ही डाल दिया है एक कटोरी घी। तो एक कटोरी बेसन में आप एक कटोरी घी मेजरमेंट रहेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सारे प्रोसेस को जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जो बेसन है हमारा ब्राउन तो हो जाएगा बट ये कच्चा रह जाएगा और कच्चा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो बस देखिए ये मेल्ट हो गया है, घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। और बस इस तरीके से इसके हल्के फुल्के से जो लम्स है ये हम तोड़ते जाएंगे और बेसन को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर ब्राउन ना हो जाए। और अभी देखिए आपको ये बिल्कुल लिक्विड ही लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये घी ज़्यादा हो गया है, बट जैसे जैसे ये बेसन भुनेगा ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए घी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बिल्कुल ये सूख गया है। और बस इसी तरीके से कंटिन्यूसली हम इसको चलाते रहेंगे। और अभी देखिए ये बिल्कुल सूख गया है और जैसे ही ये भुन जाएगा तो ये जो हमने घी डाला था उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा और फिर से ये लिक्विड ही तो नहीं कह सकते बट सैंडी टेक्सचर इसका आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी जिस तरीके से, ये देखिए इसका टेक्सचर पहले बिल्कुल सूखा था, अब ये बिल्कुल हल्का हल्का गीला होना स्टार्ट हो गया है, मतलब इसने घी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस इसी तरीके से हम इसको भूनते रहेंगे और 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है इसको भूनने में और बहुत ही जल्दी भून जाता है ये। ये देखिए अब इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल लिक्विडी टाइप में आ गया है और सैंडी सैंडी इसका टेक्सचर हो गया है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पास से भी दिखाती हूँ। मेन काम इसमें भूनने का ही है, अगर आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट भी निखर के आएगा और दानेदार ये हलवा हमारा बनके तैयार होगा। ये देखिए जो हमारा बेसन और घी है अच्छे से भुन गया है और घी को भी इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसका टेक्सचर देखिए कैसा सैंडी सैंडी टेक्सचर हो गया है, पहले बिल्कुल सूख गया था और अब ये वापस उसी फॉर्म में धीरे धीरे आता जा रहा है। तो बस यही इंडिकेशन है कि हमारा जो बेसन है अच्छे से भुन गया है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट और हम कुक करेंगे ताकि ये हल्का सा ब्राउनिश कलर में आ जाए, उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको और भून लिया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बस अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है 1 कटोरी बेसन के अंदर और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 कटोरी पानी डाल देंगे। मतलब 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1 कटोरी ही घी डालेंगे और 2 कटोरी डालेंगे पानी और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये पानी जो है सूख ना जाए। ये देखिए बस इसी तरीके से हम मिक्स करते हुए इसको सुखा लेंगे पानी को। और जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा आप देखेंगे कि यह पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा और जैसे एक डो की फॉर्म होती है उस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये देखिए पानी सारा सूख गया है और इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बस रेडी है हमारा बेसन का हलवा। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं बट मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, बेसिक बेसन का हलवा बनाया है बिना ड्राई फ्रूट्स के। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो इसको सर्व करते हैं और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा।
ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार बेसन का हलवा बनके हमारा तैयार हुआ है। और इसको हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो रेडी है हमारा बेसन का दानेदार हलवा। ये देखिए कितना बढ़िया और डिलीशियस लग रहा है ना। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।